शुक्रवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 74 केंद्रों पर 12,909 व्यक्तियों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 18 वर्ष के ऊपर के लोगों 8,298 तथा 45 साल के ऊपर के 4,611 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 10,390 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 2,519 लोग शामिल रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 18 साल से 44 साल के लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन होगा। सीएमओ ने कहा कि 45 साल के ऊपर के जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, वह आधार कार्ड लेकर सेंटर पर जाकर पोर्टल से लिंक करा के वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले विनय त्रिपाठी और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, एसपीएम पब्लिक स्कूल कर जी, पहला डोज हमारा जो है 7 मई को लगा था, आज दूसरा वैक्सीनेशन हुआ, दूसरी बार वैक्सीनेट हुए हैं, फुली वैक्सीनेटेड। और नो डाउट यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, आने के बाद तनिक भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक थी। सरकार ने निःशुल्क वैक्सीन से करा रही है, सरकार के लिए आप क्या करेंगे? सरकार ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिनिमम समय में वैक्सीनेट कर देना समाज के लिए सुरक्षित है और सबके लिए सुरक्षित है। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतने ही ये कोविड-19 की समस्या समाप्त होगी। इसका केवल एकमात्र निदान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों, और जिसका भी नंबर आवे सबसे हमारा अपील यही है कि वो अपने नंबर पर आकर आप वैक्सीन लगवाएं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैंने दूसरा डोज लगवाया, आप भी अपने अवसर पर लगवाइए। आज हमारे ज़िले में 117 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से 42 सेंटरों पर 18 प्लस का टीकाकरण हो रहा है और 2 सेंटरों पर अभिभावक स्थल का टीकाकरण हो रहा है।